इस लॉ को बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ देखें विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करना तो ऑब्वियसली लॉ की, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, लेकिन उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे ये भी है कि नोबडी इज़ अनजस्टली फाउंड गिल्टी और नोबडी इज़ अनजस्टली पनिश्ड। सो जब से ये लॉज के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, उसके बाद ये वाले इश्यूज भी बहुत बढ़ने लगे हैं, दैट पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इट एज अ टूल टू लेवल स्कोर्स और टू काइंड ऑफ टेक आउट पर्सनल वेंडेटा ऑन अदर्स। कॉन्टिनेंट और एशियन कंट्रीज जनरली जो हैं हमेशा से पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ रही हैं, मेल डोमिनेंस जो है वो रही है, स्पेशली एट वर्क प्लेस, बिकॉज इफ़ वी गो इनटू द अर्ली ईयर्स पोस्ट पार्टीशन एंड इवन प्री पार्टीशन अगर हम देखें, सो इन जगहों के ऊपर बहुत कम खवातीन के काम करने का ट्रेंड था। देर वॉज अ टाइम व्हेन वुमेन वर फाइटिंग टू एक्चुअली वर्क। सो वो कॉन्सेप्ट जो है ख्वातीन को हमेशा से एक बड़ी प्रोटेक्टेड एंटिटी के तौर पे रखा गया और उनको घरों में रखा जाता था। फिर वंस वुमेन स्टार्टेड वर्किंग तो इवन देन हरासमेंट का कॉन्सेप्ट वाज नॉट क्लियर इन ऑल दोज अर्ली ईयर्स, क्योंकि देखिए अब हम जब कहते हैं कि अगर एक लड़की बाहर निकलती है उसको कोई छेड़ता है या उसके साथ मिसबिहेव करता है या इवन फ़ोन नंबर्स के ऊपर, सो दैट इज़ कंसिडर्ड हरासमेंट, लेकिन इन द अर्ली ईयर्स हरासमेंट का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। सो जब क्योंकि जब हरासमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, ख्वातीन इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी, तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि इट वॉज नेवर थॉट दैट देर वॉज अ नीड टू प्रोटेक्ट दैम एंड इट वॉज नॉट नेवर अंडरस्टूड दैट दिस वॉट इज़ हैपनिंग टू दैम इज़ हरासमेंट। इसको हम कभी इस तरह कह देते थे कि जी माहौल ख़राब है फ़लाँ जगह का, या लोग जो हैं आप अपने आप को ख्याल रखें, अपना पर्दा पूरा करें, घर से बाहर मत जाओ, शाम हो गई है। सो ये यू नो वेमेन हैव बीन सब्जेक्टेड टू दीज थिंग्स फॉर टू लॉन्ग एंड उस वजह से हरासमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। आई एम ग्लैड दैट 2010 में जब हरासमेंट एट वर्क प्लेस का लॉ आया तो उससे हमारे माशरे में भी काफ़ी तब्दीली आई, बिकॉज सबसे बड़ी बात यह कि लोगों ने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी शुरू की कि हरासमेंट एक मेजर प्रॉब्लम है, इट्स अ बिहेवियरल प्रॉब्लम एंड वी नीड टू फिक्स इट, वी नीड टू स्टार्ट बिहेविंग। आप किसी भी औरत को चलते फिरते काम करते किसी कोलीग को नहीं छेड़ सकते, गलत बातें नहीं कह सकते, अपनी मर्जी से टच नहीं कर सकते, दैट इज़ हरासमेंट एंड दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड यू नीड टू स्टार्ट बिहेविंग। सो आई थिंक दैट्स वेयर वी सेट द प्रेसिडेंट, ऑल्दो लेट बट देन बेटर लेट देन नेवर। और लेकिन उसके बाद आई थिंक कि इन द पास्ट 12 ईयर्स देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, सो बट वी टुक इट ऑन फ्रॉम देयर। जो अमेंडमेंट्स इस नए लॉ में, जो मेजर अमेंडमेंट्स मैं आपको बताऊँगी ना, कि ये हैं कि एक तो उन्होंने वर्क प्लेस का स्कोप बहुत वास्ट कर दिया है, लेकिन उसके अंदर आप If you read the definition of workplace, it now says that concerts, gigs, motorways, highways, all of that comes in the ambit of workplace. I understand the idea behind it, that you know they want to protect people anywhere they are. And उसके आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि कोई भी बंदा when somebody is acting in the capacity of an employee, तो वो और an employer, तो वो कहीं भी होगा तो वो workplace consider होगी. सो एक मेजर चेंज तो ये है, विच आई अगेन पर्सनली फील इज़ नॉट गुड इनाफ, बट दैट्स दैट। सेकेंडली जो हरासमेंट का कॉन्सेप्ट है, इन द अर्ली ईयर्स इट वॉज ओनली कंसिडर्ड कि सेक्शुअल रिमार्क्स या सेक्शुअल एडवांसेज आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज हरासमेंट। सो दैट्स द मेजर चेंज कि दे हैव नाउ सेड दैट यू नो एनी अनवेलकम्ड रिमार्क्स और एनी थिंग दैट मेक्स द अदर पर्सन अनकम्फर्टेबल, दैट comes into the ambit of harassment. So major changes ये हैं, जैसे I initially also mentioned कि एक और चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि हमने उसको gender neutral कर दिया है. So these are the major changes in the law, obviously with a little bit here and there. I
एज हार्श एज इट मे साउंड बट द मैटर ऑफ द फैक्ट रिमेन्स कि जहाँ पे इस चीज़ के अंदर थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है, लोगों के अंदर जो है शऊर पैदा हुआ है कि दे कम फॉरवर्ड विद सच कंप्लेंट्स एंड दे वॉन्ट टू टेक इट अप लीगली, आई थिंक कि इस लॉ से एक्सप्लॉयटेशंस भी बहुत बढ़ गई हैं. स्पेशली इफ़ यू लुक एट द रूरल एरियाज़ इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन कि एक दूसरे की जो ख़ानदानी बदले दुश्मनियाँ इन चीज़ों को पूरा करने के लिए पीपल टेक इट टू द हरासमेंट हुई बेसिकली. मतलब अगर किसी की किसी से कोई ख़ानदानी दुश्मनी थी उसने अपनी बेटी की तरफ से दूसरे के बेटे के ऊपर कंप्लेन फाइल कर दी और जिरगे ने जो है ऑर्डर कर दिया उनके ख़िलाफ़. ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. Very new and novel concept in the country, and people did not even understand what harassment is. It was mostly considered कि जी लड़के शरारती होते हैं, रात का वक्त खराब है, इस तरह की चीज़ें. वो behavioral problems को उस वक्त identify ही नहीं किया जा सकता था. So there is a limit to the amendments that you can do to that law. Secondly, the problem lies in the title. So the message that comes across is that this is a law only for people who are working and who are a victim of any kind of harassment at their workplace. हमें लगता है शहरों में harassment होती है, इसलिए शहरों में हमें लगता है harassment होती है because गांव देहातों वालों को तो पता भी नहीं है harassment क्या है. एक औरत जो बेचारी सुबह खेत में कोई सब्जी काटने जाती है, कोई काम करने जाती है, उसको नहीं पता कि उसको आते जाते किसी ने छेड़ा, किसी ने आवाज़ लगाई, तो she is being harassed. The whole idea is that you need to change the law completely and you need to come up with a harassment law which would protect people of all genders in all circumstances, and the law should be such that every person feels protected.